हाय फ्रेंड्स, पूजा सूट के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई एम श्योर आप सब ठीक होंगे और आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। करवा माता सबकी जोड़ी ऐसे ही सलामत रखे, सबकी सुहाग बनाए रखे। और अभी मैं किचन में ही हूँ, चावल हुआ तो गैस बंद की, और यहाँ मैं दाल, सेवई, पनीर, शिमला मिर्च और प्याज का मिक्स सब्जी बनाई। पकौड़े के लिए यहाँ पे सब कुछ तैयार करके रख दी। तो अभी मैं जा रही हूँ नहा धोवा के, रेडी हो जाए। बच्चे अभी होमवर्क करके उठे हैं तो बैठ के मतलब अपना मोबाइल देख रहे हैं, टीवी चल रहे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं, उनके पापा भी मोबाइल देख रहे हैं। तो पूजा का सब कुछ तैयार कर ली हूँ, अब मैं तैयार हो जाऊँगी तो पूजा कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैं पूजा का सब कुछ तैयार कर ली, जितना मुझे याद आया सब चीज़ रख ली हूँ। अगर कुछ भूल याद आएगा तो फिर से रख लूँगी। तो चलिए अब मैं नहा धोवा के रेडी हो जाऊँ। और मैं सेवई बनाई हूँ, खीर नहीं बनाई, कुछ मीठा ही बनता है तो मतलब खीर। अभी हमारे मेरे यहाँ मतलब छठ होता है, मेरी सासू माँ करती है तो खीर नहीं बना सकती तो सेवई बना ली। तो खाना तो रेडी है, अब मैं रेडी हो जाऊँ फिर टाइम से पूजा भी कर लूँ। चांद तो आज बहुत लेट ही आएंगे, बहुत वेट करवाते हैं, तो देखते हैं आज कितना वेट करवा रहे हैं कितना नहीं। तो चलिए मैं तैयार हो जाऊँ। तो यहाँ मैं तैयार वार होके आ गई पूजा करने। तो पूजा का सब अपना मतलब जो भी है करवा माता का पूजा करना है, जो अपना करवा लिए थे उसमें मतलब एक करवा में मैं मिठाई भरती हूँ, एक में जल और हल्दी, कुमकुम, अक्षत पैसा डाल के उस मतलब उसमें, और वो सीख लाए वो दोनों में डालते हैं उस मतलब तैयार करके अपना। सबसे पहले नीचे अक्षत रख के वो सब रख के सब अपना संभाल रही हूँ कि पूजा करने के लिए। और आप लोग को एक बात बताऊँ कि मतलब 5 साल से मेरी सासू माँ हर साल करवा चौथ के टाइम मेरे लिए सरगी भेज देती है। अब सरगी में बहुत कुछ लोग भेजते हैं, वो सब तो नहीं मेरी सासू माँ भेज पाती है, लेकिन हाँ वो पैसा भेज देती है कि मैं ताकि यहाँ सरगी मतलब अपना सरगी का तैयारी कर लूँ, अपना सुहाग का सामान ले लूँ और कपड़े में मतलब सब मैं करती हूँ थोड़ा थोड़ा, उनके पैसे से सब चीज में लगा देती हूँ। और बाकी तो कपड़े में पतिदेव खरीदते हैं, लेकिन उसमें भी थोड़ा सासू माँ के पैसा मैं मिक्स कर देती हूँ ताकि मतलब बड़ी है और उनका आशीर्वाद भी मिल जाता है। और हमेशा याद से भेज देती है बिना बोले कि नहीं। और इस बार आपको पता है कि मैं कपड़ा नहीं ली थी, मतलब गई तो पसंद कुछ नहीं आ रहा था, तो मतलब फोन किया, माँ से बात की तो बोले कि नहीं कुछ नहीं ली, तो थोड़ा सा सैड हो गई, बोली कुछ भी ले लो जो पसंद में आए ले लो, सूट ले लो या साड़ी ले लो। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि 2 बार माँ कॉल की और बोली कि अभी लाई कि नहीं, जब उनको बोली कि नहीं माँ ले ली साड़ी तो इतना खुश हुई कि मत पूछिए। तो वही है कि हर साल मतलब वो भेज देती है, उनको ये वर सावित्री और करवा चौथ हमेशा याद रहता है, जितना उनके पास रहता है हम दोनों बहुओं के मतलब देती है कि अपना कर लो। तो मतलब ये करवा चौथ सच में बहुत स्पेशल होता है कि सासू माँ का सरगी का इंतजार तो हर किसी को रहता है, लेकिन मुझे तो मतलब बिना माँ को बोले मिल जाता है और मैं वो सब करके मतलब कर लेती हूँ। और अच्छे से हम व्रत करें ना, पूजा करें, तो माँ भी बहुत खुश रहती है। पूजा करने के बाद भी सुबह सुबह कॉल करके पूछी कि कैसे की क्या की, तो सब में बहुत मतलब उनका रहता है। तो क्या यहाँ पूजा मेरा शुरू हो गया और मैं अपना पूजा की सब अच्छे से। और माँ के लिए जो अपना सासू माँ को कपड़े देते हैं ना, तो मेरे पास तो सासू माँ साथ में नहीं है, गांव में है, तो मैं यही पूजा करती हूँ वहीं साथ में रख देती हूँ उनके लिए साड़ी और सुहाग का सारा सामान, और ये मैं बाद में माँ के लिए भेज देती हूँ। तो ये साड़ी आपको पता है मेरी सासू माँ छठ में पहनती है, जो भी मैं भेजती हूँ वो छठ में पहनती है। तो चलिए यहाँ मैं अपना पूजा शुरू कर रही हूँ और फिर खत्म होने के बाद माता रानी का ध्यान लगाई, करवा माता का, उनसे आशीर्वाद लिए, उनको नमस्कार किए और फिर अब चंदा मामा को वेट करेंगे। पता है मेरी सासू माँ भी करवा चौथ का व्रत करती है, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम तीनों करते हैं, लेकिन माँ और मेरी देवरानी साथ में, मैं तो और मैं यहाँ अकेले। यहाँ पे हम सब सो के चंदा मामा का वेट कर रहे कि कब आए चंदा मामा, टाइम कब खाए, भूखे रहना पड़ेगा बे। उनके पापा गए छत पे सिर्फ चंदा देखने गए, इनका एक्टिंग देखिए, इनका एक्टिंग चूहे कूद रहा है ना। हाँ, चूहे नहीं रैबिट कूद रहा है, रैबिट तो देखते तब चंदा आएगा, तब हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे। चंदा मामा का पहले पूजा होगा। हाँ, चंदा मामा हम जाएगी छठ पर
उसका पूजा करेंगे, फिर आराम से बैठ के खाना खाएंगे, फिर हम मिल दियो खत्म। मेरे परी को खाना ही दिख रहा है। तो चंदा मामा तो आज नहीं आए, क्लाउड बहुत है, तो वीडियो कॉल पे ही करके, मतलब वीडियो कॉल से देख के अपना व्रत तो देख के पूजा कर रहे हैं। हाँ, क्या करें। मोबाइल में वीडियो भेजी थी मेरी बहन दिल्ली से, तो देख के मैं चंदा मामा की पूजा कर रही थी। देखिए चंदा मामा को मोबाइल में देख के पूजा कर रही थी, क्या करे इधर। मतलब पुणे में बहुत बारिश भी हो रहा था, इतना बारिश हो रहा है ना, 10-15 दिन से बहुत बारिश हो रहा है उसके कारण, और बादल भी बहुत थे, तो चंदा मामा आए नहीं, आए बाद में, बहुत लेट आए। मतलब हमें लग रहा है 12:30 के करीब आए, लेकिन उनको देख के ही मैं उसके बाद खाना खाने गई। उनको देख के सबसे पहले, मतलब चंदा मामा को देखी तो उनको नमस्कार की, जय की, और उसके बाद मैं गई खाना खाने। तो यहाँ तो मोबाइल पर देख के मैं पूजा कर रही थी। सच में ये करवा चौथ ना बहुत अनोखे तरीके से मनाए हम, मतलब मोबाइल में देख के उनको पूजा की है, फिर पतिदेव को पूजा की है, और पतिदेव का थोड़ा तबीयत भी मतलब ख़राब चल रहा था, उनको सर्दी हुआ था, सर्दी की वजह से उनको थोड़ा सा मतलब अच्छा फील नहीं होता है, फिर भी वो उनको बोले कि नहीं आप लोग खाना खा लीजिए, तो नहीं बका आप पूजा कर लो चंदा मामा को, उसके बाद सब खाएंगे ना, वो ना बच्चे नहीं सुन रहे थे, फिर क्या करे। मोबाइल में देख के दीदी बोली कि नहीं कर लो बका, टाइम खत्म हो गया तो पूजा कर लो, बका इतना वेट कर रही हो अच्छा नहीं है, बका कर लो, टाइम से पूजा होता है। तो फिर पूजा की और इन लोगों को मतलब खाना दी, ये लोग खा पी लिए, उसके बाद मैं गई बालकोनी में। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, चंदा मामा का तो पूजा हो गया, और अभी कपड़ा चेंज करके खाना खा लेती हूँ, फिर बच्चों का कल एग्जाम है, तो अभी 11:30 बज गया, सुबह जल्दी भी उठना है। ये क्या मिठाई कर, ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।